Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे शादीशुदा जीवन के बारे में प्राचीन शास्त्रों में बहुत से सुझाव बताए गए हैं। इन धर्म ग्रंथों में हर काम को करने के नतीजों के बारे में भी बताया गया है, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म। अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, वहीं बुरे कर्मों के बुरे नतीजे भी लोगों को भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप माना जाता है और ऐसे इंसान को सीधे नरक में जाना पड़ता है। वहीं किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखने वाले, किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले लोगों को भी नरक में जगह दी जाती है। मनु स्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पराई स्त्री के संबंध से बचना चाहिए। मनु स्मृति में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसके परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। ये चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। वहीं कुंवारी या फिर अल्पायु कन्या से संबंध की सजा, गरुण पुराण में बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के संबंध को स्थापित करती है, उसको यमलोक में दहकते लोहे का आलिंगन कराया जाता है। पाप की सजा पूरी होने पर ऐसी स्त्री चमगादड़, छिपकली या फिर दो मुहा सांप के रूप में जन्म लेती है। वहीं जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे लकड़बग्घा या फिर शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी या फिर अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति सालों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वालों को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.